हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मीनाक्षी भारद्वाज ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और ये देख रहे हैं मेरे चेहरे पे सनशाइन। धूप बहुत तेज़ निकली है, बहुत अच्छी धूप निकली है। और इस समय मतलब जैसे नीचे का माहौल ठंडा रहता है, कमरे ठंडे हैं, और ऊपर आओ तो गुनगुनी सी धूप। अगर 5 मिनट आप ले लो तो आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा और थोड़ा सा अच्छा भी महसूस होगा। अब मौसम बदल रहा है तो हमारे यहाँ तो एक बार सब लोग बीमार पड़ चुके हैं, सबको सर्दी जुकाम बुखार हो चुका है। पहले मुझे हुआ, फिर बेटी को हुआ, बेटे को हो गया है, और फेस्टिवल का सीजन भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी आज मेरा मन कर रहा था व्लॉग बनाने का, छत पे आ गई मैंने, मतलब सर्दियों के कपड़े धोने का सोचा। व्लॉग बना तो लोग अगल बगल से देखते हैं कि क्या कर रही है। तो मौसम ठंडा हो रहा है इसलिए मैंने सोचा एक दो कंबल धो लिए जाए, क्योंकि साल भर कंबल पड़े रहते हैं ना, तो उनमें स्मेल से आ जाती है, भले ही धुल के रखो फिर भी। और इस बार बारिश में पेड़ इतने अच्छे हो गए थे, धीरे धीरे सर्दी आएगी तो फिर सारे गमले सूख जाएंगे। और जब हरियाली होती है, बारिश होती है, तो सारे वो पेड़ जो है हरे हरे हो जाते हैं। ये देखिए मेरे पेड़ों को, अमरूद के पेड़ तो आप लोग देखे होंगे, 1 2 एंड ये 3, तीनों अमरूद के पेड़ देखिए। हालांकि अमरूद इसमें एक भी नहीं निकलता, इसमें जो है बहुत बड़े बड़े अमरूद पहले साल निकले थे, उसके बाद दूसरे और तीसरे साल पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा। जो भी बात हो, अब देखते हैं इस झाड़े में निकलते हैं कि नहीं, बारिश में तो नहीं निकले। आगे देखते हैं इधर का मौसम कैसा है। ये देखिए नीम वाला पार्क हमारे घर के पीछे का। तो अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है, धीरे धीरे बदल रहा है, ठंड आएगी। आप लोग भी सतर्क रहिए मौसम से, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सर्दी लग जाती है लोगों को, मुझे तो लग चुकी है। अब मैं जा रही हूँ, थोड़े से कपड़े छत पे डाल लूँगी। तो मैं आप लोग को दिखाई पड़ रही हूँ, छोटे से व्लॉग के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ अगर कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं प्रयागराज से मीनाक्षी, लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।